जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से, बेटियां भी घर को उजाला करती। नमस्कार, मैं हूं शाइना, स्वागत है आपका द स्ट्रीट। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए महिलाओं से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने संकेत दिया कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 हो सकती है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे तरह हर एक नागरिक ये मानते हैं कि हमारे देश की बेटियां जिस भी क्षेत्र में गई है वहां वे अपनी एक अलग ही मुकाम हासिल की, वहां वे अपनी एक पहचान बनाए। हमारे देश की महिलाओं को जब जब अवसर मिला है उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत उन देशों में से एक है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गर्भवती महिलाओं को वेतन के साथ 6 महीने की छुट्टी देने की बात हो, या फिर 3 तलाक के कारण पीड़ित महिलाओं को आजादी दिलाने का काम हो, या आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो। 40 करोड़ जनधन खाते में से 22 करोड़ खाते हमारी बहनों। लेकिन सवाल अब ये है कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करना चाहते हैं? लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल क्यों रखी? तो दरअसल सरकार लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव कर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। मोदी सरकार ऐसा इसीलिए भी कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह को अवैध माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु में फैसला करने का काम सरकार पर छोड़ दिया, यानी कि अब शादी के लिए उपयुक्त उम्र क्या होना चाहिए इस पर सरकार विचार कर रही है और इस सिलसिले में एक समिति भी गठित की गई जिसका मकसद सिर्फ मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। तो ये थी कुछ जरूरी बातें जो उन लड़कियों के लिए राहत भरी होगी जिनकी शादी उम्र से पहले हो जाती है या जिन्हें छोटी उम्र में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं देती हूँ इजाजत।